नमस्कार, हाय फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल में जिसका नाम है रेखाज ब्लॉग लाइफ। और मैं अभी हूँ बिहार में, अपने ससुराल बिहार भागलपुर में, जहाँ के आम बहुत प्रसिद्ध है। आम रेडी होने में भी 10-15 दिन बाकी है, क्योंकि मालदा आम यहाँ बहुत होता है। आम में मालदा या लंगड़ा दोनों एक ही नाम बोला जाता है। और ये देखिए लंगड़ा आम है, अभी 10-15 दिन देरी है, लेकिन ये देखिए मैं नीचे जमीन में बैठी हूँ आम के बगीचे में, और ये नीचे तक आम है। तो इस बार आम बहुत अच्छे आए हैं, और 10 दिन में 2-3 दिन बारिश हो तो ये बहुत अच्छे हो जाएंगे। ये है लंगड़ा मालदा आम। इस बगीचे में कुछ हिमसागर के भी आम हैं, कुछ बम्बैया आम है। आम का नाम बम्बैया है, लेकिन सबसे ज़्यादा मालदा आम है, जो कि खाने में बहुत टेस्टी होता है। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और जो फर्स्ट टाइम देख रहे हो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, थैंक यू। और ये है बगीचे का गेट। बगीचे के चारों तरफ हम लोगों ने दीवार लगा दिया है ताकि सेफ रहे, बंदर लोग भी नहीं आए। बंदर भी यहाँ काफ़ी हैं जो खा के आम खराब कर देते हैं, और सेफ का सेफ भी रहता है। बगीचा का रेंट भी अच्छा मिलता है, क्योंकि जो देखभाल करते हैं उनको भी ज़्यादा परेशानी नहीं होती है, बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ती है। और ये देखिए भीतर में बगीचा, बहुत बड़ा बगीचा है। आगे आगे मैं दिखाती हूँ आपको, मैं पूरा एक बार राउंड करके आम का बगीचा दिखा दे रही हूँ। बहुत बड़ा बगीचा है ये, और सब जगह आम ही आम हो रखे हैं। देखिए आप लोग भी मज़ा लीजिए, बहुत सुंदर लग रहा है आम देखने में। और 10-15 दिन में और बड़े साइज हो जाएंगे इसके। सारे मालदा आम दिखा रही हूँ मैं आपको। तो आम के बगीचा को अच्छा रखने के लिए, आम हेल्दी रखने के लिए, एक बार साल में छिड़काव होता है दवाइयों का। जब आम छोटे छोटे होते हैं तो इन सब पे शावर जैसा पाइप से दवाओं का छिड़काव होता है, जो मेडिसिन से कीड़े नहीं लगते हैं आम में। और इन सब में पानी देने के लिए एक बड़ा कुआं है इस बगीचे में, बहुत पुराना कुआं है, जिससे कि पानी का सोर्स, इरिगेशन बोलिए, सिंचाई बोलिए, पूरे बगीचे की होती है। और एक बार खाद भी डाला जाता है मानसून के समय में, जब आम टूट जाते हैं तो उसमें एक बार पूरे बगीचे में खाद डाला जाता है, ताकि पेड़ और मजबूत हो सके। तो आप देखिए कितने मजबूत हैं ये सारे पेड़। आम की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। पेड़ों देखिए, पेड़ों का हेल्थ देखिए, बहुत हेल्दी पेड़ हैं सारे। तो लगभग सालों भर, सालों साल नहीं बोल सकते, एक साल में इसकी इतनी देखभाल की ज़रूरत होती है। और हर बगीचा को यदि आपको रेंट पे देना है, किसी रखवाले को देना है, तो 2 साल के लिए देते हैं, क्योंकि हर साल आम बहुत अच्छा नहीं आता है। एक साल अच्छा आता है तो एक साल उतना नहीं आता है। तो दोनों सालों का एवरेज निकाल के इसका रेंट तय किया जाता है कि कितना रेंट एक साल का होना चाहिए। ये हिमसागर है, और कब तक रेडी हो जाएगा ये? बम्बा के लगा रहे हैं, बम्बैया के साथ मतलब, और 10 दिन में साइज में और बड़ा होगा। नहीं, बारिश होगा तो बड़ा होगा। नीचे तक आ गया हिम सागर, और 10 दिन लगेंगे, साइज और बड़ा होगा। वाह, हर क्वालिटी का ले लीजिए, ये अलग हो गया। ये बम्बैया है ना, ये हो गया मालदा। मालदा और लंगड़ा एक ही को बोलते हैं ना। तो ये आम का बगीचा का रखवाली आप ही करते हैं ना? हाँ, हमारे ज्ञानी भाई है। आप हैं और ज्ञानी भाई हैं। इसमें बताइए कितना गाछ है आम का, और कौन कौन सा आम है इस बगीचे में? देखिए हम तो इसमें फर्स्ट साल रखवाली कर रहे हैं। 35 साल से? ना, फर्स्ट साल। अच्छा, पहला साल है आपका? अच्छा, तो उतना तो जानकारी हमको नहीं है। हाँ हाँ, लेकिन जो जैसे ज्ञानी भाई बताई उसी तरह हम बता रहे हैं। कितना गाछ है मालदा का? मालदा और लंगड़ा एक ही बोलते हैं ना, एक ही आम को? मालदा को लंगड़ा बोलता है। हाँ, तो कितना गाछ है मालदा का? अब तो वही लगाए थे तो उन्हीं को ना पूरा। अच्छा, और हिम सागर कितना है, बम्बैया कितना है, कुछ पता है? बम्बा 9 पेड़ है। 9 पेड़ है बम्बे का? हाँ, मैंने बम्बैया आम जिसको बोलते हैं। और हिम सागर आम? हिम सागर
अगर एक गाछ यहाँ है और एक गाछ वहाँ पर लगा। अच्छा, और बगीचा में कुछ दान के लिए भी पेड़ लगाया जाता है ना, कितना पेड़ है दान के लिए जो पंडित जी लोग को दिया जाता है? अब गजे वो बता सकते हैं कि कितना दान में दिया हुआ है। एक तो सुनते मालदा दान दिया हुआ। हाँ, एक तो हम देखे मालदा दान दिया हुआ है। हाँ, वो पंडित जी लोग खाएंगे। हाँ, है ना। अब उसके आगे क्या है तो हम लोग तो उतना नहीं बता सकते, ज्ञानी भले बता सकते। अच्छा ठीक है, अभी ज्ञानी भाई है क्या बगीचा में? अभी बिहार गया हुआ खेत बनाने के लिए। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, धन्यवाद। ये है बहुत पुराना कुआं जहाँ से अभी भी पानी लेके यहाँ बगीचे में डाला जाता है। देखिए काफी नीचे है लेकिन पानी काफी है, और ये कुआं भी बहुत बड़ा है, इससे पानी का कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे भी बिहार यूपी बेल्ट में गंगा किनारे हैं, काफी बड़ी बड़ी नदियां होती हैं, तो पानी वाला बेल्ट है, पानी की कोई प्रॉब्लम नहीं है। आम के बगीचे में पानी काफी चाहिए, इसलिए यहाँ पे आम का प्रोडक्शन बहुत अच्छा होता है, और बहुत तरह के आम होते हैं जिसमें कि मालदा आम सबसे फेमस है। मालदा को लंगड़ा आम भी बोलते हैं, इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी होती है, खाने में मीठा थोड़ा कम होता है, खुशबू इसकी बहुत अच्छी होती है। अच्छा, ये बीजू आम है, इससे अचार बनाते हैं। पका हुआ आम खाने पे बहुत मजा आता है। अच्छा, ओह, इसको तो काटने की जरूरत नहीं पड़ती होगी क्योंकि साइज थोड़ा छोटा, चूस के खाते हैं। कितना नीचे तक लगा हुआ है, वाव। नीचे में आम का गाछ तो है लेकिन और क्या क्या है? सांप वाप भी होगा? हाँ, सांप भी है। कितना सांप होगा इसमें? सांप बहुते है, आधे जैसे मौसम अंधार बारिश हो जाए। हाँ, तो सांप का बर्नल नहीं है, पूरा निकल के आ जाएगा बारिश में ऊपर। सब घूरेगा। ओ गॉड, ऊंचा ऊंचा बेल में जो है ना। हाँ, तब अपना जगह बनाएगा, वो रहेगा। तो आप लोग उस समय तो भाग जाते होंगे बगीचा छोड़ के? उसी का नाम लेकर रहते हैं। अच्छा, ओम नमः शिवाय। हाँ, नाग देवता जो भी करे, नाग देवता के ऊपर में रहते हैं। अच्छा, और क्या क्या है यहाँ पे बगीचा के भीतर सांप के साथ? और कुछ भी है? गीदड़ है। गीदड़ भी है? हाँ, मतलब फॉक्स, लोमड़ी। गीदड़ भाई इतना भर भर जाए का गीदड़ है। हाँ, तो कहाँ रहता है, दिखाई तो नहीं दे रहा? दिखाई सवेर में तो इससे निकला। अच्छा, घूर करके फिर आके बिल में घुस गया। अच्छा, बिल होता है इनका? हाँ, बिल के भीतर रहते हैं लोग। अच्छा, घर में रहता है, मकान में। हाँ हाँ, उसी प्रकार का उसका घर होता है। ये जो होल एक दिख रहा है दूर में, इस ये गीदड़ का है। माय गॉड, और क्या क्या जानवर पे है? खिखिर है, और ऐसे भी जो है छोटा मोटा भी बहुत जानवर। नेवला, नेवला वगैरह भी है? हाँ, वो सबको तो नहीं देखे हैं, लगे बिच्छू। बिच्छू का तो सचार यहाँ नहीं, पहले बहुत था। पहले था लेकिन अब बहुत कम, ना के मात्रा में मिलता। अच्छा बाबा रे, डेंजरस। आइए ना, गिदर का भी और दिखा देते हैं, गिदर का। हाँ, चलिए दिखाइए, उसका भी छीन ले लीजिएगा। तो ये आम का बगीचा बहुत अच्छा रखे हैं, बहुत साफ सुथरा रखे हैं, और सारा कुछ बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, नाम क्या बताया था आपने? हमारा नाम? हाँ, सरजू राय। सरजू राय, तो सरजू भैया थैंक यू, आपने इतने अच्छे से बताया, नमस्कार। तो ये देखा आपने आम का बगीचा कैसा लगे बताइएगा, और कुछ भी बोलना हो लिखना हो तो YouTube कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। बहुत ही सुंदर आम का बगीचा मैंने दिखाया है। बिहार वाला बेल्ट है ये, गंगा के किनारे घोगा बाजार गाँव का नाम है, जो कि मेरा ससुराल है। यहाँ पे आम की खेती बहुत होती है, खेती क्या बगीचा बोलते हैं एक्चुअली, और काफी लोगों ने आम का बगीचा लगाया है, हम लोगों ने भी लगाया है जो कि हमने दिखाया अभी। तो बताइएगा कैसा लगा।